हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं बुफे डिनर पे अली इब्राहिम पैलेस रेस्टोरेंट में, जिसके रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं जब जाऊंगी तो मैं अपना रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अब हम इब्राहिमी रेस्टोरेंट पर आ गए हैं। ये इसका बाहर से व्यू है, आए अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर से इसका व्यू कैसा है। अब हम अंदर आ गए हैं। अंदर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पीसफुल है। आजकल ऑब्वियसली रमज़ान है, इफ्तारी में सब खाना खा लेते हैं, उसके बाद बहुत कम गुंजाइश होती है कि कुछ खाया जाए डिनर में। उसके बाद तो सहरी के टाइम ही कुछ ना कुछ खाया जाता है, तो यहाँ पे क्राउड नहीं है इतना। हमारा भी अचानक ही प्लान बना कि चलो काफ़ी टाइम से फैमिली गेट टुगेदर नहीं हुआ, तो हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर कर ले, एक डिनर बुफे पे चले जाएं। स्पेशली जब आप परदेश में रह रहे हों और ऐसे फैमिली गेट टुगेदर हो जाए तो एक अच्छा माहौल बन जाता है और आपको अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है एक दूसरे के साथ। सो एम्बियंस भी इनका अच्छा है। अब हम मेन्यू देखते हैं। ये बहुत मज़े की कार्ड पड़ी हुई है, इसकी एक साइड में सैलड है, दूसरी साइड में पानी पूरी और अदर स्टफ़ है। सबसे पहले हम सैलड देखते हैं। सैलड में हमारे पास प्लेन योगर्ट है सबसे पहले, इसके साथ ही मिंट सॉस योगर्ट है, कचूमर सैलड है, और ये पास्ता सैलड है, ये भी एक सैलड है, और पीछे भी पास्ता सैलड की एक टाइप थी और एक सिंपल प्लेन सैलड था। सैलड के साथ ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ है और सेसमी सीड ऑयल पड़ा हुआ है। ऑयल के साथ ये एक बाउल में फ्रूट चाट पड़ी हुई है, और इसको आप एप्पल सैलड भी कह सकते हैं, फ्रूट सैलड भी कह सकते हैं, इसका कोई नेम मेंशन नहीं था। इसके साथ पड़ी हुई है चना चाट, और चना चाट के साथ ही इसके लेफ़्ट साइड में दही फुल्की पड़ी हुई है, जिसको हम लोग नॉर्मल दही भलियाँ भी कहते हैं। इसके साथ कैबेज सैलड पड़ी हुई है, एप्पल कैबेज सैलड, और साथ ही अनियन लेमन रखा गया है कि अगर आप किसी में ऐड करना चाहें तो एडिशनल है, आप ऐड कर सकते हैं। मोस्टली ये दही फुल्की में ऐड होता है, इसलिए दही फुल्की के साथ रखा गया था। सो ये था सैलड का काउंटर। अब मैं इसके साथ आपको पानी पूरी का काउंटर दिखाती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास खट्टा पड़ा हुआ है, और ये है जी पानी पूरी का एक बॉक्स बनाया हुआ था, बहुत क्यूट लग रहा है ये। ये कार्ट की दूसरी साइड थी, ये भी बहुत मज़े की थी, इसमें से भी मैंने सब कुछ ट्राई किया। सबसे पहले इसमें था हुमस। गल्फ़ में हुमस को बहुत पसंद किया जाता है, जैसे अदर कंट्रीज़ में मायनीज़ खाते हैं लोग, वैसे ही गल्फ़ में हुमस खाया जाता है। हुमस को खुबस के साथ भी खाया जा सकता है, और ये बहुत मज़े का कॉम्बो है, और अगर आप कभी गल्फ़ आएँ तो ज़रूर ट्राई करें इसे। इसके साथ गोलगप्पों की स्टफिंग का मटेरियल पड़ा हुआ है, जो आप अपने अकॉर्डिंग सॉस ऐड करके जैसे आपने ऐड करना है बना सकते हैं। ये हैं जी समोसे, समोसों के साथ पकौड़े पड़े हुए हैं, और ये हैं पापड़। ये साउथ इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो लोग इसे बहुत खाते हैं, इवन हर चीज़ के साथ खाते हैं। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे और मुझे बहुत मज़े के लगे थे। ये है आलू बुखारे की चटनी, जो बहुत कॉमन है हर जगह और बहुत मज़े की लगती है। ये था अचार, जो नॉर्मल एशियन अचार है, इसके साथ भी सॉस पड़ी हुई थी, और साथ ये पिकल पड़ा हुआ है जो कि अरेबियन पिकल है। मैं इसकी रेसिपी भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ये बहुत मज़े का लगता है, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। जब भी हम किसी अरेबियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो फूड के साथ इन्हें सर्व करते हैं। इसमें कैरेट भी ऐड कर सकते हैं, और जो कुछ भी आपका दिल करे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आप लोगों के साथ इसकी भी वीडियो शेयर करूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। अब यहां से हमारे पास मेन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास है वेजिटेबल कॉर्नर, और इसके साथ है किड्स कॉर्नर। किड्स कॉर्नर की बैक साइड पर लाइव कुकिंग हो रही थी, जिसमें आप ब्रेड और रोटी और नान वगैरह ले सकते हैं। किड्स कॉर्नर के साथ है इब्राहिमी स्पेशल, यहाँ पे लाइव बारबेक्यू हो रहा था और कबाब वगैरह सब फ्रेश आ रहे थे। ये डिज़र्ट पड़ा हुआ था, इसमें भी बहुत वैरायटी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें खाना क्या है। सो ये है सबसे पहले हमारे पास वाइट राइस, वाइट प्लेन राइस हैं ये,
और इसके साथ पड़ी हुई है दाल मूंग। ये है वेजिटेबल कॉर्नर्स की साइड, इसमें हमारे पास दाल मूंग है और ये था पनीर विद लेमन बटर सॉस। इसके साथ है कद्दू मसाला, ये है कद्दू मसाला और ये है चना मसाला, और जिसको आप नान चनों के साथ भी खाते हैं और ब्रेकफास्ट में बहुत मज़े के लगते हैं। इसके साथ है फ्रेंच फ्राइज़ और अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया, बहुत ड्राई था, चिकन ना होने के बराबर था, इसलिए मैं इसको रेट करूँगी 10 out of 7। इसके कंपैरिजन में लाल किला का अल्फ्रेडो बहुत मज़े का है। यहाँ पे फ्रेश नान, तंदूरी रोटी वगैरह मिल रही थी। और यहाँ से किड्स कॉर्नर स्टार्ट हो रहा है। किड्स कॉर्नर में सबसे पहले हमारे पास है एग फ्राइड राइस और 3 leaf chicken। रिफ़िल होने वाले थे। 3 leaf chicken में चिकन थोड़ा हार्ड था, सॉस अच्छी थी लेकिन चिकन थोड़ा हार्ड था। मटन बिरयानी भी बहुत मज़े की थी और मटन अंदर से अच्छी तरह टेंडर था और फ्लेवरफुल था। चिकन कौरमा बस नॉर्मल था, इसको मैं रेट करूँगी 10 out of 7। लेकिन पालक का टेस्ट बहुत मज़े का था और मीट का भी एक अलग टेस्ट था। इसके बाद हमारे पास इब्राहिमी स्पेशल में सबसे पहले है मटन पुलाव। इसका टेस्ट भी अच्छा है, जैसे पाकिस्तान में होता है या सिंपली मटन यखनी पुलाव बनता है, सेम वैसा ही था। टेस्ट भी अच्छा था, लाइट था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था और फ्लेवरफुल था। इसके बाद चिकन कढ़ाई है। चिकन कढ़ाई मुझे इतनी पसंद नहीं आई, मे बी हर इंसान का अपना टेस्ट होता है और किसी को पसंद आए, लेकिन मुझे इसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं लगा। इसके साथ है मटन पाया। मटन पाया का फ्लेवर भी अच्छा था। ये है हलीम का सामान, हलीम के लवाजमात रखे गए हैं। मटन हलीम है और ये भी लाइट थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी और इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। इसके बाद हमारे पास है फ़िश फ्राइड। फ्राइड फ़िश का टेस्ट भी अच्छा था, बहुत क्रिस्पी थी और फ्लेवर भी इसका अच्छा था। आई विल रेट इट 10 out of 10। इसके साथ हमारे पास है प्रॉन्स। प्रॉन्स भी रिफ़िल होने वाले थे लेकिन बहुत मज़े के थे। इसके साथ था फ्राइड चिकन और चिकन सॉसेजेस। फ्राइड चिकन अच्छा था, फ्लेवर भी इसका अच्छा था, लेकिन अंदर से टेंडर नहीं हुआ हुआ था, थोड़ा कच्चा था, इसलिए मुझे इतना पसंद नहीं आया। और सॉसेजेस मैंने ट्राई नहीं किए, मुझे नहीं पसंद। इसके साथ है चिकन बारबेक्यू। बारबेक्यू अच्छा था और सॉफ्ट था, जूसी नहीं था इतना लेकिन सॉफ्ट था। इसके साथ है फ़िश कबाब। दीस कबाब हैज़ माई हार्ट। इतने मज़े के कबाब थे ये, इतने सॉफ्ट थे और बहुत जूसी थे। इसके साथ हमारे पास थे मलाई बोटी और मटन कबाब। मलाई बोटी अच्छी थी लेकिन जैसे मलाई बोटी होती है बहुत ज़्यादा जूसी होती है, उस तरह की नहीं थी, थोड़ी हार्ड थी। और मटन कबाब भी अच्छे थे लेकिन एज़ कम्पेयर टू फ़िश कबाब इतने अच्छे नहीं थे, वेल ओवरऑल अच्छे थे। इसके बाद हमारे पास है ज़र्दा। ज़र्दा के साथ गुलाब जामुन थे। ज़र्दा मैंने खाया नहीं क्योंकि मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन गुलाब जामुन बहुत मज़े के थे, सॉफ्ट थे, जूसी थे और स्पंजी जैसे होते हैं वैसे नहीं थे। ये थी फ्रूट चाट, ये भी मज़े की थी। और इसके साथ थी लबे शीरें, ये भी मज़े का था। और इसके साथ है डाइट कस्टर्ड, ये मैंने ट्राई नहीं किया, एज़ आई वॉज़ थिंकिंग के बहुत फीका होगा ये, आई डोंट नो ये कैसा था, फीका था कि मीठा था। इसके साथ है ब्राउनी। ब्राउनी का टेस्ट भी अच्छा था बट इतना अच्छा नहीं था। इसके साथ थी खीर। खीर भी मज़े की थी और फ्लेवरफुल थी। इसके साथ है एग पुडिंग, ये इतनी ख़ास नहीं थी लेकिन ठीक थी, ना ज़्यादा अच्छी थी ना ज़्यादा बुरी थी। ये था फ्रूट ट्राइफल। फ्रूट ट्राइफल बहुत मज़े का था और बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। ये भी केक से प्लेन केक था, ये भी मज़े का था और जेली का फ्लेवर बहुत मज़े का था, मुझे पर्सनली जेली बहुत पसंद आई। इसके साथ था चॉकलेट मूस, इसका भी टेस्ट अच्छा था, बिल्कुल ड्राई नहीं था ये, बहुत मज़े का लग रहा था और ये मैंने 2 times खाया। डिज़र्ट में सबसे लास्ट पे था उम अली और सूजी का हलवा।
ये उम अली भी मज़े का था और सूजी का हलवा भी बहुत मज़े का था। इन दोनों को मैं रेट करना चाहूँगी 10 out of 9। आई होप आपको मेरा आज का ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, और अगर आप मज़ीद इस तरह के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखना चाहते हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके और आप उसको सबसे पहले देख सकें।